हाय फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक। आप देख रहे हैं एमक्यू टच गुरु। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो के अंदर ग्रिड व्यू के बारे में जानकारी हासिल की थी। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसके बाद में आज की इस वीडियो के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का जो है जानकारी हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को, बट मोबाइल स्क्रीन में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए मैं इसका सबसे पहले बैकग्राउंड को चेंज कर लेता हूँ। और आपको पता ही है कि आप बैकग्राउंड को किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी विड्थ को और हाइट को मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि किस तरीके से इसका यूज़ है। तो फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी मदद से आप किसी भी इस टाइप के जो यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट है या फिर किसी और भी कंपोनेंट को आप इसके अंदर हॉरिजॉन्टली वे में आप डाल सकते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम कभी भी एक बटन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और उसके बाद में जब दूसरा बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो डायरेक्टली उस बटन के नीचे या फिर ऊपर आता है। तीसरा भी हम बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो भी उसके नीचे या फिर उसके ऊपर आता है। तो इस टाइप से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वन बाय वन नीचे आता है। अब फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल के अंदर ऐसा नहीं होता है और इसका हम यूज़ इसीलिए ही करते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल है उसके अंदर आप कोई भी अगर बटन को अगर आप लगाएंगे, जैसा कि मैं यहीं से अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये देखिए, ये फर्स्ट राइट साइड में ये बटन आ गया। अब मैं सेकेंड वाला लगाता हूँ तो वो उसके नीचे नहीं आता है, उसके साइड में आ जाता है। अगर मैं तीसरा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो वो भी या तो बीच में या साइड या इस तरीके से साइड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली वे। तो हॉरिजॉन्टली वे के अंदर कोई भी चीज़ अगर हमें लगानी हो तो वो इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का हम यूज़ करके लगा सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, एडवांस फीचर के अंदर और ब्लॉक्स वाली वीडियोज़ के अंदर आपको इसके सारे फीचर्स का पता चलेगा और आप इसका बेहतरीन यूज़ आप उसमें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर सेम ही हैं। इनमें से एक या दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सारी चीज़ें आपने देखी ली है पीछे, इमेज वगैरह। इसके अंदर सिर्फ आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, यूज़ राउंड कार्ड और इज़ कार्ड। अगर फ्रेंड्स इसको इज़ कार्ड पे आप टिक कर देते हैं तो ये इस टाइप से कार्ड की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल, जैसे कि हम व्यू कार्ड को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो एक साइड के अंदर जो किनारे पर एक आपको अच्छी सी डिज़ाइन या फिर आपको पेडिंग वगैरह या रेडियस वगैरह जो दिख रहा था वो सारी चीज़ें कार्ड व्यू के अंदर दिख रही थी। तो इसी तरीके से इस कार्ड करके आप कार्ड व्यू ही की तरह इसको भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद में है यूज़ राउंड कार्ड। अगर आप राउंड टाइप में अगर कार्ड को करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेम व्यू कार्ड व्यू ही की तरह दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखेंगे और भी चीज़ें तो आपको पेडिंग वगैरह नहीं मिलेगी, यानी कि जो कार्ड व्यू के अंदर पेडिंग लेफ्ट राइट बॉटम और हाई टॉप इस टाइप की जो पेडिंग वगैरह थी, अंदर की जो चीज़ें डिज़ाइन करने को मिलती थी कार्ड व्यू के अंदर, वो चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में और कार्ड व्यू के अंदर, बाकी सारी चीज़ें सेम है। फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल का काम आप समझ ही गए होंगे कि किस जगह ये काम आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।